हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के टाइप 8 के आगे के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और हमारा टाइप 8 से पहले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। किरण पब्लिकेशन 8700 बुक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 क्या बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़िएगा क्या बोल रहा है, उसे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है अमित तथा वीरी की वर्तमान वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में, ठीक है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में, ठीक है। तदनुसार यदि वे प्रत्येक वर्ष के अंत में ₹1000 की बचत करते हैं तो अमित की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। अनुपात किस में दिया है, वार्षिक में, तो वार्षिक कोई दिक्कत नहीं है। 3:2 है, 5:3 है। अब एक बात बताओ जी, ए और अमित और कौन है हमारे पास, वीरू। अमित रेशियो वी वैन वाला बना देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अमित और वीरू है, इनकी इनकम का रेशियो, आय का रेशियो दिया 3:2, इनकम का रेशियो दिया है 3:2। इसी तरह से एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन में गिवन है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, जो कि हमें दिया है 5:3, कितना दिया हुआ है 5:3। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली, जब भी कभी प्रत्येक बराबर खर्च करते हैं तो उस केस में हमें डिफरेंस समान देखना है। 2 से 3 हो रहा है, 3 से 5, 2 का अंतर, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होने को बचाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर देखें, 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 का गुणा करते हैं 3 में, 2 3 कितना हो जाएगा 6, अनुपात 2 2 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह 1 का करेंगे तो 5 का 5 रहने वाला, और यहाँ पे 3 का 3। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो वो समान आएगा, जैसे ही ये नया रेशियो बनता है तो ये खराब हो जाता है। अब आगे की कहानी हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बराबर हमें कितना गिवन है, 1000। जब 1:1 का मान 1000 है तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, तो बी की मासिक आय कितनी, क्वेश्चन ने पूछा है अमित की वार्षिक आय कितनी है। अमित कौन था, पहला वाला, अमित की वार्षिक आय इसमें कर देंगे 6 में गुणा कर देंगे 1000 का, तो आंसर कितना हो जाएगा जी, 6000। समझ गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 की कहानी देखते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन नंबर 17, ए तथा बी की आय का अनुपात है, अनुपात, और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2। अब आप बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ए बी का रेशियो नहीं गिवन, तो देखो यहाँ पर और लगा दिया, मतलब ये कि ए बी और बी सी का अनुपात 3:2:3:2 है, मतलब ये यहाँ पे ए रेशियो बी की बात करूँ तो वो दिया हुआ है 3:2। इसी तरह से अगर मैं बी रेशियो सी की बात करूँ तो वो भी हमें गिवन है कितना, 3:2। उसने 2 बार ना लिख के वही चीज़ 1 बार रिपीट कर दिया, सिर्फ एक ही बार लिख दिया 3:2, ठीक है, हमें समझ लेना है, इतने हम पागल नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ए बी सी, तो निकालेंगे कैसे, 3 3 9 होते हैं, 3 2 6 और 2 2 4, ये रेशियो मैंने निकालना सिखाया आप लोगों को, तीनों का हमें रेशियो मिल गया। आगे देखते हैं, एक ही आय का 1/3, एक ही आय का ये जो है रेशियो जो निकल के आया वो किसका निकल के आया, इनकम का, ठीक है, एक ही आय का 1/3, तो मतलब 9 का 1/3 अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 3 3 9, मतलब तो हो जाएगा कितना, 3, ठीक है, एक ही आय का, ए फर्स्ट वाला है, ठीक है, एक ही आय का 1/3 कितना हुआ, 3। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोले, सी की आय का 1/4, तो इसी तरह सी की आय 4 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1। सी की आय का 1/4 से ₹1000 अधिक है, अधिक को कम हो ज़्यादा हो ये क्या होते हैं हमारे अंतर, तो कितना अधिक है भाई, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 अधिक है, लेकिन 2 बराबर कितना दिया हुआ है,
1000, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, दो पंजे दस मतलब 500, एक बराबर मुझे मिल गया 500। अब जो पूछेगा उसमें गुणा कर देंगे। क्वेश्चन ने पूछा बी की आय कितनी है, बी की आय कितनी, तो मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इधर साइड में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 का 5×30 3000, ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जिस टाइप से क्वेश्चन ने हमसे बोला उसी टाइप से हमने सॉल्व कर दिया। फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, 18 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है। और प्लीज इसका फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए इस टाइप का, जिससे कि सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं आपके, ठीक है, बीच में से जंप ना करें, अगर बीच में से जंप करोगे तो जिंदगी भर जंप ही करते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 क्या बोल रहा है, 18 ने बोला है हमसे ए एफ बी की मासिक का अनुपात, ठीक है, 6:5 और मासिक व्यय का अनुपात 4:3, ठीक है। आगे बोले प्रत्येक, प्रत्येक मतलब है दोनों बराबर, मतलब 400-400 रुपए बचत करते हैं। तो हमसे पूछा है कुल मासिक आय, कुल मासिक आय मतलब इसने इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं दिया, ना ही ए दिया ना ही बी, तो मतलब इन दोनों की इनकम का योग पूछा हुआ है, ठीक है, देखते हैं। तो ए बी का अनुपात दिया 6:5, 6:5, 6:5 दिया हुआ है, आगे बोला है 4:3, इनके बीच में जरा डिफरेंस देखिएगा, अगर डिफरेंस समान है तो अपना काम बनता है फिर, तो 5 से 3 मतलब 2, 6 से 4 मतलब 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 बराबर हमें दे रखा है कितना, 2 बराबर हमें डायरेक्टली दे रखा है 400, कितना गिवन है 400। अच्छा 1:1 का मान निकालेंगे तो 2×2=4 हो जाएगा, 1 बराबर हो गया 200, 1 बराबर जब 200 है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ लीजिए, तो उनकी, उनकी मतलब दोनों की कुल मासिक आय कितनी है, तो कुल राशि ज्ञात करनी, तो इनकम का रेशियो कौन सा था, ऊपर वाला था, ठीक है, इनकम का रेशियो, और ये क्या था, एक्सपेंडिचर था, तो इनकम कितनी होगी 6 और 5 11, 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी, 1 बराबर 200 तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 2200, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। समझ गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा प्लीज। ओके क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहानी है, ठीक है, सिंपल तरीके से ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है देखिएगा, 19 में बोला गया है राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है, कमाता है, ठीक है, और श्याम 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करता है, ठीक है। आगे बोला है उनके अर्जन का अनुपात, अर्जन नहीं पता यहाँ पे अर्जन क्या है, अर्जन मतलब एक तरह से यहाँ पर हो जाएगा उनके एक दिन का अनुपात, सीधे सीधे यहाँ पर देख लें क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता है नहीं है, ठीक है, तो एक दिन का अनुपात देखेंगे, तो देखो 8 दिन में 125 कमा रहा है, पहला जो कैंडिडेट है वो कमा रहा है 8 दिन में 125, तो 1 डे में कितना कमा लेगा भाई, 1 दिन में कमा लेगा 125/8, यहां तक तो क्लियर है। इसी तरह सेकंड केस में दूसरा है जो कि 10 दिन में 140 रुपए कमाता है, 10 दिन में 140 रुपए कमा रहा है, तो 1 दिन में कितना कमा लेगा भाई, 10 से भाग के दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, तो बचा कितना 14, ठीक है। अब यहां पर दोनों का अनुपात बनाने लाएं, तो पहला वाला ए और बी मैं मान लेता हूं, और यहां पर हो गया 125/8 रेशियो, यहां पर हो जाएगा 14। इस 8 को हटाने के लिए मैं दोनों साइड में नीचे 1 बना के एलसीएम ले लूंगा, या सीधे सीधे 8 का गुणा कर लो, तो दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला 8 जो है कट जाता है और यहां पे बच जाता है 14/8, तो यहां बचा 125/14/8 112, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा, और कुछ कट नहीं रहा, तो इसलिए यही आंसर है, 125/112 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिलेगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज किया करो, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है उसे भी, हो सकता है
क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो कि हाँ उसे क्लियर कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 में क्या बोला गया है, ठीक है ध्यान से देखना। ए और बी की मासिक आय का वेतन दे रखा है, अनुपात है 8:5, ठीक है। उनका व्यय दे रखा है 5:3। उन्होंने बोला, उन्होंने क्रम से 12,000 और 10,000, अब देखो ये अलग अलग बचत कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, एक्स वाला मानना है, ठीक है। आगे बोला है मासिक बचत है, तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या है, अंतर निकालना है। देखो पहले की आय कितनी है, 8:5 है, ठीक है, कितनी है 8:5 है। सिर्फ हम आय में एक्स मान लेंगे, हमसे पूछा क्या, पूछा है इनके बीच में अंतर, 3x की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आय कितनी है भाई, 8x है, माइनस पहला कितना बचाता है 12,000, दूसरा है मेरा 5x इनकम, इनकम में से माइनस कर दूंगा कितना 10,000। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो नहीं देखी तो प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, इसका पार्ट फर्स्ट, ठीक है, टाइप 8 का, जैसे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट, ओके। इस फिर ये अनुपात हो जाता है 5:3, कितना हो जाता है 5/3, कैंची गुड़ा कर लें सॉल्व कर लें। 8 × 3 = 24x माइनस 12 × 3 = 36,000 इक्वल टू 25x माइनस 5 × 50, ठीक है, 25 इधर आएगा तो माइनस के बच जाएगा 1x, ये उधर पहुंचेगा तब भी ये छोटा है लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन, 36 के बाद 50 करना है तो बचे कितने 14, तो x की वैल्यू निकल के आई मेरी फाइनल कितनी 14,000। जब x की वैल्यू निकल आई तो 3x की वैल्यू पूछी गई है, तो 3x की वैल्यू के लिए x की जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने का, 14 का, 14 × 42, तो 42,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, समझ गए। तो 42,000 करेक्ट आंसर होगा जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ओके जल्दी से नोट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 की कहानी क्या कहती है वो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा, हो सकता है आप लोगों का डाउट हो लेकिन इसमें डाउट के लिए कुछ है नहीं। एक्स और वाई की आय दे रखी है हमें 4:3, ठीक है, उनका खर्च दे रखा है 12,700, दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए की बचत करते हैं। यहां पे पॉइंट है, दोनों मिलाकर बोला या अलग अलग बोला, थोड़ा सा बोल गए, मतलब दोनों अलग अलग कमाते, मतलब बोला जाए कि दोनों 3200 रुपए की बचत करते, दोनों मतलब ये हो रहा है कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि वो अलग अलग जो है 3200 रुपए की बचत कर रहे हैं दोनों। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर देखो इंडिविजुअल नहीं बोला गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है क्वेश्चन मिस हो गया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोलना चाहिए थे कि प्रत्येक जो है 3200 रुपए की बचत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए की बचत करते, दोनों ही मिलकर नहीं, अगर मिलकर बोलता तो मिलकर बोला होता, लेकिन मिलकर नहीं बोला तो हम तो यहाँ पे अलग अलग ही मानेंगे। तो क्वेश्चन बोला तो x की आय कितनी, देखो x और y हमें गिवन है, इनकी आय का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है 4:3 × 12:7, 4:3 × 12:7, जब प्रत्येक जो है 3200 रुपए कमा रहे हैं, प्रत्येक जो है यहां पे अलग नहीं दुआ लेकिन आप लोग अलग ही मानेंगे, 3200 रुपए प्रत्येक बचत कर रहे हैं, तो यहां पे डिफरेंस समान होना चाहिए, तो यहां पर तो 8 का, यहां पर तो भाई है ही नहीं 4 का हो रहा है, तो एक काम कर ले, नीचे का डिफरेंस ऊपर का डिफरेंस मल्टीप्लाई कर ले, नीचे कितना हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 5×20 हो जाएगा, नया रेशियो बनाते हैं 5×20 क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, 5×3 = 15, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आने वाला है और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही आने वाला है, सॉरी 7, ठीक है। तो अब डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 7 के बाद में 8, 9, 10 मतलब 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस अपना काम बन गया, इस रेशियो को हटा दो, कितना आया भाई 8, और 8 बराबर हमें क्वेश्चन में गिवन है 3200,
एक बराबर 8 चौक 32, एक बराबर आ गया 400। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखिए। तो क्वेश्चन ने बोला है x की आई ज्ञात कीजिए। x कौन है भाई, पहला वाला है ना x रेशियो y। तो x पहला वाला है मतलब 20 की वैल्यू निकाल ले। इस 20 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 400, क्यों एक बराबर 400 है ना इसलिए। तो कितना कर देंगे 4 × 8 मतलब 8000 रुपये। यह हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल है, 8000 रुपये करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और प्लीज अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक या फिर शेयर नहीं किया है वीडियो को, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे जब तक हमें एनर्जी कहां से मिलेगी आप बताओ। गलत बात होती है ना ये, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करें, उन लोगों की मदद करें जिन लोगों को दिल से पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, 22 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है ए और बी की आय जो है 3:2 के अनुपात में है, ठीक है, और खर्च दे रखा है 5:3। यदि प्रत्येक 1000 बोला है, ठीक है, ए की आय पूछी गई है, 3:2 है 5:3 है, कितना है 3:2 और 5:3 डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस समान है नहीं, तो क्या करेंगे भाई नया रेशियो बनाएंगे। यहां पे 2 का है, यहां पे 1 का है, अपोजिट मल्टीप्लाई कर दें 2 का ऊपर, 2 × 3 = 6 हो जाएगा अनुपात, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 1 × 5 = 5 हो जाएगा, 1 × 3 = 3 हो जाएगा, ये हो गया खराब। अब देखिए डिफरेंस समान है, 4 से 3 हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, 1 का डिफरेंस है और 1 बराबर हमें दे रखा है कितना 1000, 1 बराबर 1000 गिवन है। तो हमसे पूछा क्या ये देख लीजिए, तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है 1 की आय कितनी है, तो 1 की आय निकालेंगे, तो 1 की आय के लिए 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो कितना हो जाएगा 6000 रुपये। समझ गए, ये ए है मेरा और ये बी है, तो 6000 रुपये करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जी। 23 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्रिकेट मैच में, ध्यान से समझना क्वेश्चन अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, क्रिकेट मैच में ABC प्रकार की टिकटों की कीमत हमें दे रखी है, 3 प्रकार की टिकटें ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, 3 प्रकार की हैं, 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये, ये क्या है मेरे रुपए दे रखे हैं क्वेश्चन में गिवन। ए सेक्शन में अगर वो बैठता है तो 1000 रुपये की टिकट होगी, बी सेक्शन में बैठता है तो 500 रुपये की टिकट होगी, और सी में बैठता है तो 200 की, घटिया वाली। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। ABC श्रेणी में बिके हुए टिकटों का अनुपात, मतलब ये कि टिकट कितनी बेची, टिकट बेची है 3:2:5 के अनुपात में, मतलब 3 टिकट इधर से बेची, 2 टिकट इधर से और 5 टिकट इधर से, एक बार कंफर्म कर लीजिए 3:2:5, 3:2:5, ठीक है। एक बात बताओ जी, आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर 1000 रुपये की एक टिकट है, 3 टिकट बिच गई तो कितने रुपए मिल गए मुझे, 3000 रुपये मिल गए जी, ठीक है। 500 रुपये की एक टिकट थी, मैंने 2 बेच दी, कितने रुपये मिल गए मुझे, 1000 रुपये मिल गए, ठीक है। 200 रुपये की एक टिकट बेच रहा हूँ जी, 5 टिकट निकाल दी मैंने, भाई बचे कि मेरे पास आई कितने रुपये, 5 × 10 मतलब 1000। अच्छा एक बात बताओ, टोटल मेरे पास इनकम कितनी हो गई, 3000, 4 और 5 टोटल मिला के कितना हो गया भाई 5000, मतलब 5000 रुपये मैंने कमा लिए भाई, आज तो हो जाएगी पार्टी, 5000 रुपये मैंने कमाए। अच्छा टोटल टिकट मैंने कितनी बेच दी भाई, ये क्या है मेरी टिकट है,
तीन दो पांच और पांच दस, टोटल टिकट कितनी बेची? दस। दस टिकट जब मैं बेच रहा हूं तो वो कितने की बेच रही है? 5000 की, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आगे कुछ और बोल रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ने बोला बिक्री से कुल वसूली, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 5000 है, क्वेश्चन के अनुसार है 2.5 करोड़। भाई क्या बात है, 2.5 करोड़ को थोड़ा सा हम तोड़ मरोड़ के चेंज कर ले रहे हैं, तो 2.5 करोड़ है, इंटू कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 से 1 पॉइंट हटा दीजिए, बचेगा कितना मेरा 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरे पास बचे ये रुपये, इतने रुपए की मैंने जो है टिकट बेच दी। अरे इतने रुपए की नहीं, 5000 की बेची। अच्छा तो 5000 बराबर रख लो ना यार, तो 5000 बराबर नीचे की तरफ कर देता हूं मैं, 5000 बराबर हमें गिवन है कितना, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 5000 से भाग कर देंगे, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0 गए, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5, 25, 1, 2, 3, मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 1:1 की वैल्यू है, 1:1 का मान कितना है 5000। भाई 5000 बराबर रखा, ये 1 बराबर कितना हो गया 5000, सीधी सी बात है, ठीक है। 1 बराबर 5000 है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसमें गुणा कर देंगे। क्वेश्चन ने पूछा है कुल बेचे गए टिकटों की संख्या, कुल कितनी बेची भाई टिकट 10, तो 10 में गुणा करते 5000 का, तो 10 में गुणा कर देंगे 5000 का तो कितना हो जाएगा, पचास हजार। तो मैंने टिकट कितनी बेच दी भाई, 50000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुछ है नहीं इसमें, बस ये पॉइंट था और बाकी सब इजी है टोटली। तो बस हमेशा याद रखना, कहीं से भी 1:1 के पास पहुंच जाओ आप तो सब कुछ हो जाता है क्वेश्चन के साथ, ठीक है, चाहे कुछ भी पूछे। तो आंसर हो जाएगा 50000, मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा, ओके, नोट कीजिएगा प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की कहानी देखते हैं क्या दी गई है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल वे में ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जी, 24 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी बचा लेता है, ठीक है। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है वो देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है व्यय और बचत का अनुपात क्रम से 61:6 है, 61:6 है, क्या है व्यय और बचत का अनुपात, एक्सपेंडिचर रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो हमें दिया हुआ है अनुपात वो कितना दिया हुआ है, 61:6, अच्छा इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो क्या हो जाएगी मेरी टोटल इनकम हो जाएगी, अच्छा तो इनकम कितनी है भाई 67, और 67:1 का मान हमें टोटल गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन दिया हुआ है कितना 8710, तो 1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 8710/67, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। यहां से अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जा सकते हैं बताइए, 67 और 1 7 21 9 13 13 78 780, ठीक है, 13 बार जा रहे क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट है 1, एक बार आता है 1 7 के टेबल में 3 बार पढ़ने पे 7 21, दूसरी बार आएगा 13 70, ठीक है, तो 13 70 91 हो जाएंगे, 13 7 91, तो 1 आ रहा है लास्ट में, तो कितना हो जाएगा ये, 1:1 का मान निकाला हमने कितना आ गया 130। जब 1 का मान इतना है तो क्वेश्चन ने पूछा गया वो देख लीजिए, तो क्वेश्चन ने उसकी बचत पूछी है, तो बचत निकालने के लिए सेविंग में मल्टीप्लाई करते हैं 130 का, 13 6 78, मतलब 78 और 10 चिपका दे तो 780 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा जल्दी से।
ओके चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ठीक है 25 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। 177 रुपये को 1/2, 2/3, 4/5 के अनुपात में बांटा जाए तो दूसरा भाग क्या है। तो देखो सबसे पहले इससे जो फ्रैक्शन जो हमें अनुपात रेशियो दिया हुआ है उसे ठीक कर लें। फ्रैक्शन को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो आगे दिया हुआ कितना 4/5 सही करने के लिए नीचे का एलसीएम लेके इसी में गुणा कर दें जी तो कितना हो जाएगा 30 और 30 दो से काटेंगे तो 15 तीन से काटेंगे तो 10 बार 10 का गुणा 2 में तो मतलब 20 5 6 30 6 6 24 ये अनुपात हो गया जी। टोटल ऐड कर लेते हैं जी 20 40 50 50 कितना हो रहा है टोटल मिला के 59 रेशियो का मान हमें गिवन है कितना 177 50 150 होता है 9 3 27 होता है तो 3 बार जा रहा है सीधा सीधा सा 1 = 3 आ गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो क्वेश्चन ने पूछा है तो बताएं दूसरा भाग क्या है इनटू कर दें 3 का 3 × 6 = 60 रुपये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ गए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इस रेशियो को आप चाहो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन वहाँ पे स्पीड आपकी लो हो जाएगी और वो टाइम ले जाएगी। इसलिए जब भी कभी आपको फ्रैक्शन इस टाइप से दिखाई दे तो माइंड में दर्द होता है और उस दर्द से बचने के लिए आपको क्या करना होगा नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके या फिर ऐसी संख्या लो जिससे जो है इन तीनों से भाग हो जाए। मल्टीप्लाई कर दो बाकी अनुपात निकल के आ जाएगा फिर आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है चलो फिर हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 की कहानी देखते हैं जी। ठीक है चलो ध्यान से देखिएगा सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 ने बोला है ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 6300 ठीक है 6300 रुपये। यदि ए की 5/9 यदि ए का 5/9 कि 19 है 5/19 भाग राशि बी का 2/5 का मतलब गुणा 2/5 भाग राशि के बराबर है तो क्वेश्चन ने बोला है बी के पास कितनी राशि। सबसे पहले ए बी निकाल लो 5 का गुणा कर लो 5 25 ए इज इक्वल टू 19 × 38 बी तो ए का मान तो हो गया ये और बी का मान हो गया ये तो ए रेशियो बी अगर मैं निकालूंगा तो ए कितना हो जाएगा 38 और बी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 25। कैलकुलेट कर लेते 8 और 5 13 की 3 एक कैरी 3 × 2 5 और 1 6 63 रेशियो का मान हमें गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में 6300 एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 63 से 63 गया 1 = 100 है तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन ने पूछा बी के पास कितनी राशि है तो बी के पास कितने रुपये हैं भैया ₹2500 ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ गए फटाफट से नोट कीजिएगा सिंपल क्वेश्चन है तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट सिंपल क्वेश्चन है इजी है। ओके क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं जी। 27 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ट्वेंटी सेवन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है वातानुकूलित शयन श्रेणी मतलब एक तरह से वीआईपी श्रेणी है जी। ठीक है और साधारण एक सिंपल है एक वीआईपी एक सिंपल है श्रेणी में रेलवे किराया जो रेलवे का किराया है वो 4:1 है। ठीक है जी मतलब एक मान लेता हूं मैं पहला वाला वीआईपी
दूसरा है सिंपल, इसके हैं चार रुपये तो इसका है एक रुपये। एक बात बताओ जी, ज़्यादातर भीड़ किस में जाएगी, कौन से डिब्बे में जाएगी? सिंपल वाले में जाएगी, है कि नहीं? ज़्यादातर भीड़ सिंपल वाली, क्योंकि सस्ती टिकट है यार, चार रुपये वाली कौन लेगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। वातानुकूलित शयन और साधारण श्रेणी में द्वारा यात्रियों की, ये जो हमें दिया है रुपयों का अनुपात है, यात्रियों पैसेंजर का अनुपात देखेंगे तो हमारे पास कितना है टोटल देखें तो 3 और 25, मतलब इससे जा रहे हैं 3 लोग, इससे जा रहे हैं 25 लोग। एक बात बताओ जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मैंने बोला 3 लोग जा रहे हैं वीआईपी गाड़ी से, 1 लोग की टिकट है 4 रुपये की, तो 3 टिकट कितने की बिच गई भाई? 12 रुपये की। सिंपल वाली 1 रुपये की टिकट है, 25 लोग जा रहे हैं तो 25 रुपये की बिच गई भाई। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने आगे बोला है यदि कुल किराया संग्रह, मतलब टोटल मिला के 37 रुपये किराया हुआ, 37,000, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो रहा भाई टोटल मिला के, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37, लेकिन 37 रेशियो का मान कितना है 37000, 1 बराबर कितना है 1000। जब 1 रेशियो का मान 1000 है, जब 1 रेशियो का मान 1000 तो क्वेश्चन ने क्या पूछे, क्वेश्चन ने बोला है तो वीआईपी, ठीक है, वातानुकूलित शयन श्रेणी में यात्रियों ने किराए का भुगतान किया, कितने किराए का भुगतान किया, मतलब ये वीआईपी में जो लोग गए हैं उनका, उनसे टोटल इनकम कितना आई है, तो 12 में गुणा कर देंगे 1000 का, तो कितना हो जाएगा 12,000। यह हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो वीआईपी वाला पूछा है तो टोटल हो जाएगा 12,000, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने एक किया था जो कि क्वेश्चन नंबर था हमारा इससे पहले ही यात्रियों और टिकट वाला, क्वेश्चन नंबर 23 की तरह है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के 100 लाइक भी नहीं हो पाते हैं, तो प्लीज़ हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से पावर दीजिए, आपका काम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, 730 रुपये की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करते हैं, ए को 3 रुपये, बी को 4 रुपये, बी को 3.5 रुपये, सी को 3 रुपये, ठीक है। बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, देखो ए और बी स्टार्टिंग वाले केस में ए रेशियो बी बना लो जी, ए को कितना मिल रहा है 3 रुपये, उसी केस में बी के लिए बोला है कितना 4 रुपये। सेकंड केस में बी और सी है, और सेकंड केस में बी को मिल रहा है 3.5 रुपये और सी को मिल रहा है कितना 3 रुपये। एक काम करें, इस पॉइंट को हटा दें, इधर 0 लगा दें, अब 5 से काट लें, 5 के 30, 5 7 35, तो बी और सी का अनुपात बन गया कितना 7:6। आप चाहो तो 3.5 से भी काम कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा पॉइंट में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, काटा, तो 7:6 हो गया। ए बी सी निकाल सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लें, 7 3 21, 7 4 28, 6 4 24, टोटल ऐड करके देख लेते हैं हमें, क्योंकि टोटल टोटल राशि पता है, तो 4 8 4 12 3, मतलब 13, मतलब 73 होगा, तो 73 रेशियो का मान हमें गिवन है 73, 1 0 2 0, 730 है, हाँ, 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 1 बराबर 10 है, तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तीनों की पूछ रहा है, तो तीनों की निकाल देंगे। बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, बी का हिस्सा और सी से कितना अधिक है, अधिक हो कम हो ज़्यादा हो अंतर हो, वो सभी अंतर होते हैं, तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बराबर 10 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 40 रुपये, ये क्या होगा मेरा फाइनल आंसर। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ओके,
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ठीक है, 29 देख लेते हैं, हो सकता है आप लोगों का डाउट हो सकता नहीं बहुत सारे बच्चों का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बस इसी क्वेश्चन को देखने के लिए इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, जिससे कि क्लियरली समझ में आ जाए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग समझ सकते हो, मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से ही समझाऊंगा। क्वेश्चन ने बोला ए की आय बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है। ठीक है, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। ए और सी की आय का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, बी और डी का अनुपात है 1:2। भाई छोड़ा क्या इसने, ए बी सी डी का अनुपात। देखो मेरे पास चार कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ए बी सी और डी, चारों में कोई भी रिश्ता नहीं है भाई, कोई किसी का मामा ना चाचा कुछ नहीं है, अलग अलग हैं चारों। क्वेश्चन ने बोला है कि बी और डी, लास्ट में देखें बी और डी जो है 1:2 के अनुपात में है। बी और डी अगर ये एक है तो ये 2 होना चाहिए, मतलब इससे ये दुगना होना चाहिए। आगे देखते हैं ए और बी की ए और सी की कहानी दे रखी है 2:3, ये अनुपात है 2:3। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखें, ये तो मैंने सिर्फ अनुपात लिखा है, क्वेश्चन ने बोला ए सी कितना है 2:3, ए सी मैंने लिख दिया 2:3, बी डी दिया हुआ 1:2, तो बी डी लिख दिया 1:2। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाए, ए की आय बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपये अधिक है, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 140 रुपये अधिक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। ठीक है, ये मैंने एक्स मान ली। अच्छा एक बात बताओ जी, ऊपर जो दिया गया वो क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाए, वो क्या दिया हुआ, उनकी आय का अनुपात, वो भी इनकम है भाई, ये भी इनकी इनकम है। तो एक चीज यहां पर देखो, ये इनकम है, ये इनकम है, फिर इसका क्या काम है भाई, ये क्यों बनाया, जब हम ऐसे ही निकालना है तो ये क्यों दिए हुए फालतू में। क्वेश्चन आगे देखो, सी की आय डी की तुलना में, सी की आय डी की तुलना में, अब इन दोनों का रिलेशन है, लेकिन एक रिलेशन यहां से हमें डी के पास ले जाना पड़ेगा, क्यों, वो रिलेशन क्या, वो रिलेशन ये है कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, इसके और इसके साथ कर सकते, मतलब ये बी अगर एक्स है, अगर एक है तो डी का मान जो होगा वो दुगना होगा, मतलब ये जो होगा वो 2x होगा, अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा 2x होगा, जब ही तो एक से दुगना होगा भाई, बी और डी का जो रेशियो है एक से दुगना ही तो हो ना, तो ठीक है x से 2x हो गया। आगे देखें, c की आय d की तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो c की आय जो है d की तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो 2x प्लस 80 कर दूं, हो गई, ये a की आय b की आय c की आय और d की आय। अब लेकिन देखो कौन कौन सा इस्तेमाल कर लिया हमने, एक से दुगना तो हो गया, अब x की वैल्यू कहाँ से मिले भाई, x की वैल्यू हमें वहीं से मिलेगी जहाँ रुपए मिले हैं, और जहाँ रुपए हैं देखो ये क्या है मेरा a है, x प्लस, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ी, x प्लस 140 बट्टे में c ले रहा हूँ मैं, 2x प्लस 80 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास इसमें भी रुपए, इसमें भी, इसमें हमारे पास कुछ नहीं है, इन्हें मत लो, 2:3, ये मैंने लिया ए तो ए का आय का अनुपात लूंगा, ये मैंने लिया सी तो सी की आय का अनुपात, क्योंकि ये तो इस्तेमाल हो गए, ये बचे थे, तो इनका यूज हम यहां पे कर लेते हैं, 3x प्लस 14 42 420 इक्वल टू 2 × 4x प्लस 8 × 16 160। यहां पे देखेंगे तो माइनस का बचेगा x, ये उधर पहुंचेगा तो माइनस का ही बचेगा, 420 है 16 तो कितना बचेगा 260, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू निकल के आया कितना, x इक्वल टू आ गया 260। बस अब क्या वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो, बस इतना सा करना था, अगर x की वैल्यू 260 निकल के आ चुकी है तो वैल्यू पुट करनी है बस, तो वैल्यू पुट करेंगे 260 प्लस कर देंगे 140 तो कितना हो जाएगा ये 400। ये तो a की आ गई, b की कहानी देखें x ही है बस, तो x कितना है मेरा 260 तो ये तो हो गया 260 ही बस। c की बात करते हैं 2x मतलब कितना हो जाएगा 2 × 260 प्लस 80
तो कितना हो जाएगा यहां पे अगर हम देखेंगे, 26 दुनी 52, 520 प्लस 80 तो कितना हो गया 600। यहां देखेंगे तो 2x में मल्टीप्लाई कितना 260, 26 दुनी 52 मतलब 520 रुपये मैच कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 400, 260, 600, 520। 400, 260, 600, 520 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर अब भी समझ में नहीं आए ना तो एक काम कीजिएगा, मेरे कहने से बुक को पलटिए और बुक के पीछे भी एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है, आप थोड़ा सा उसे एक बार जरूर देखिएगा, मेरे कहने से समझ में आ जाएगी कहानी। ठीक है, अगर फिर भी ना आए तो आपको इसी क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार रिपीट करना है तो क्लियर हो जाएगा। समझ के फटाफट से नोट कर लीजिएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ए का बोला बी से 140 अधिक, सी का बोला डी से, लेकिन डी को मैं एक्स नहीं मान सकता, क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि बी और डी की आय बराबर है। अगर मैं एक्स यहां पर भी रख दूं तो क्या होगा, एक्स और एक्स ये बराबर हो जाएंगे, लेकिन बराबर नहीं रखना जी, को क्या रखना है, एक से दुगुना रखना है। मतलब उसने बोला है क्वेश्चन ने बी की जो आय है डी से आधी है, तो 2x का आधा ये है, या फिर ये बोल सकते हैं इसका दुगुना ये है, तो दुगुना ये है तो इसका 80 प्लस है। बस अब हमारे पास क्या बचा है, ये और ये, तो ए और सी दोनों मैंने बैलेंस किए, इक्वल करने के बाद में मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, वैल्यू पुट कर दी और कितना है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है, देखने में थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, वो ऑप्शन थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं इसलिए डर लग रहा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो टाइप 8 बिल्कुल खत्म होता है हमारी तरफ से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो, और अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच करो तो प्लीज रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं, बाय, टेक केयर।